और बात एक ऐसे जंगल की जहां सिर्फ महिलाएं ही जाती हैं। ये जंगल है इंडोनेशिया के पापुआ में, एक मैंग्रोव फॉरेस्ट। वहां केवल महिलाओं को जाने की इजाजत है। यहां महिलाएं पीढ़ियों से सीपी इकट्ठा करने जाती हैं। अगर कोई पुरुष इस जंगल में पाया गया तो उस पर जुर्माना लगता है। बीबीसी इंडोनेशिया की केवल महिलाओं की टीम को इस जंगल में जाने की इजाजत मिली। देखिए बीबीसी संवाददाता रेबेका हेंचके की रिपोर्ट। तुम क्या कर रहे हो? एड्रियाना मारोडजी चिल्लाती हैं। उन्होंने पुरुष की आवाज सुनी। महिलाओं के जंगल में घुसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो चीखती हैं। जयापुरा बे के इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में पुरुषों को आने की इजाजत नहीं है। यहाँ महिलाएं सीपी जमा करने जाती हैं। यह हमेशा से केवल महिलाओं का जंगल रहा है, मेरे पैदा होने से भी पहले से। यह हमेशा से यही कानून रहा है। महिलाओं के जंगल में आने के लिए आपको नेकेड रहना होता है। आप कपड़े नहीं पहन सकती। अगर कोई पुरुष झांक भी ले तो उसे सजा मिलती है। पुरुष घुसपैठिए को $70 तक का जुर्माना होता है और इसे पॉलिश्ड पत्थर के रूप में चुकाना होता है। महिलाएं इस खास जगह पर अपनी कहानियां साझा करती रही हैं। जब पानी कम होता है तो हम सब साथ जाते हैं। सारे दोस्त नाव से जंगल में प्रवेश करते हैं। जब हम जंगल में होते हैं तो आजाद होते हैं, क्योंकि आसपास कोई पुरुष नहीं होता है और हम बुजुर्गों से अपनी कहानियां साझा करते हैं। लेकिन महिलाओं की ये पवित्र जगह अब खतरे में है, पर पुरुषों की वजह से नहीं बल्कि प्लास्टिक कचरे और प्रदूषण की वजह से। हमारा समंदर काफी सुंदर और साफ हुआ करता था, लेकिन अब ये प्रदूषित हो गया है। मैं अक्सर खुद से कहती हूँ कि हमारे समुंदर को क्या हो गया है। खाड़ी में बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भी खतरा है। 50 साल पहले के मुकाबले जंगल अब आधा ही रह गया है, लेकिन एड्रियाना कहती हैं कि वो बचे हुए जंगल की रक्षा के लिए लड़ेंगी।